एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो स्वागत करती हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने कपड़े वगैरह धो लिए सारे। आज भी सुबह उठते ही मतलब कोहरा आ रखा था बहुत ज़्यादा, और पर क्या करूँ, घर का काम तो करना ही पड़ता है ना अपने को। तो उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद आज सुबह मैं जल्दी नहा ली थी, नहा के फिर कपड़े वपड़े धो लिए, झाड़ू साफ़ी भी कर लिया, और काम ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे के आसपास हो गया था। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 1:30। मैंने जस्ट खाना वाना खाया है और उस टाइम मैंने सूट पहन रखा था, तो ऐसे ही काम कर रही थी तो सूट पहन लिया। अब मैंने सूट मतलब चेंज करके साड़ी पहन ली। मैं सर्दियों में अक्सर ज़्यादातर साड़ी पहनती हूँ। नील बाबा सो गए हैं, मैंने भी खाना खा लिया। नील मम्मी वाले रूम में सो रहा है, मम्मी ने सुला दिया उसको। तो आज का व्लॉग ये है, मतलब मेरा जो डेली रूटीन था दिखा दिया। सुबह काम कर लिया, वो भी स्कूल से आएगा 2:45 बजे से, वो आएगा फिर नक्शु बाबा। नील बाबा भी सो गए, तो आज मैं मतलब खाना खाई हूँ तो आज जब सोऊंगी, क्योंकि मतलब रेस्ट करूँगी। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, इसी टाइम जैसे खाना वाना खा लेती हूँ फिर उसको सुला देती हूँ। इस ये जो दोपहर में 2 से लेके 5 बजे तक का टाइम होता है, तब मेरे को टाइम मिलता है, तब मैं वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह बना लेती हूँ। फिर शाम को तो वापस वही काम, खाना बनाओ, उसको होमवर्क वगैरह करवाओ, ये सब रहता ही है मेरे। आज कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब थकान तो क्या, बस आज रेस्ट करूँगी, वीडियो का मूड नहीं है आज। जब मूड नहीं होता तो वीडियो भी नहीं बनता ढंग से। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है बताना कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक कर देना। जो चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग टू मी। और आज अमावस है, आज शुक्रवार है ना, आज फ्राइडे है, तो आज अमावस है स्पेशली। तो आज हमारे घर पे मतलब मल का मास है वैसे भी, और आज हम लोग मतलब शाम को बर्थडे का प्रोग्राम है। आप लोग भी ज़रूर आना खाने के लिए। मम्मी ने शायद दाल वगैरह भी भिगो के रखे हैं, तो शाम को आज बर्थडे का प्रोग्राम है। सर्दी में इतनी सर्दी, फिर ऊपर से गरम गरम बर्थडे, वाओ मज़े आ जाता है ना। तो अब मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ। उठूँगी कि ना 4:30 के आसपास मैं उठूँगी, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर शाम को आज थोड़ा काम है। दाल वगैरह तो भिगोई है, मम्मी धोएंगे, दाल वाल धोएंगे, फिर चटनी वटनी बनानी है, धनिया की चटनी बनानी है, और बड़े का जो प्रोग्राम है उसका प्रोसेस भी करना है, काम है। तो फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे के आसपास, मैं आप लोगों को वापस मतलब ब्लॉग में वीडियो में कंटिन्यू मिलूँगी। तो फिर साथ बने रहना। वो उस रूम में सो रहा है, मैं पहले उसको लेके आ जाती हूँ मेरे पास। एक बार सो रहा है वो मम्मी के पास ही, नहीं लेके आई उसको, क्योंकि वो स्कूल से आएगा ना तो इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि वो उठ जाएगा। अंधेरा हो गया, मैं सोऊंगी अब थोड़ी सी देर, तो फिर मिलती हूँ आपको चाय के टाइम में। कितना 4:30 बज गया है, चाय तो मैंने पी ली, अब उठी हूँ, बच्चों के लिए दूध चाय बना रही हूँ। मैंने चाय पी लिया, जल्दी सोने का सोची थी, नींद भी नहीं आई सच बता रही हूँ। और ये देखो ठंड लग रही है, देखो शॉल भी ओढ़ रखा है, स्वेटर भी पहन रखी हूँ, मुझे इतनी ठंड लग रही है। पर हमारा घर तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। देखो दाल भी भिगोई हुई है, ये दाल है और ये गुड़, गुड़ भी भिगोया है, मीठे बड़े निकाले हुए इस वजह से। आप लोगों ने मतलब मल का जो होता है बड़े वगैरह बना लिया क्या घर पे? हम तो आज फर्स्ट बनाएंगे और शायद संक्रांति वाले दिन और बनाएंगे। दूध चाय बना लेती हूँ दोनों के लिए।
नक्शो तो स्कूल से आके खाना खा के सो गया था, नील बाबा जग रहे हैं। दोनों को दल दूध चाय पिला के थोड़ा खेलने बाहर भेजूंगी, लगेंगे काम में। बर्तन भी पड़े हैं थोड़े बहुत जो दोपहर को खाना वाना खाए थे, और चाय दूध के भी हो गए, वो भी साफ करूंगी। और आपके इधर ठंड कैसी है? यहाँ तो सच में बहुत है, और शाम भी होने वाली है। देखो जैसे जैसे शाम होती है ठंड टन 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 टन। और ये दाल धोई जा रही है बड़े बनाने के लिए, मतलब सब प्रिपरेशन हो रहा है। मम्मी दाल धो रहे हैं, और ये मैंने लहसुन छील लिया है बड़े में डालने के लिए। लहसुन वाले बड़े मतलब जो थोड़ा खुशबू होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। ओके अब नेक्स्ट क्या करना है? तो अब तो अब बड़े में गुंदली डालेंगे और धनिया की चटनी बनाऊंगी साथ में ही। तो सबसे पहले गुंदली को धो के साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। प्रोसेस तो आप लोगों को भी पता ही होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं क्या क्या इसमें ऐड करेंगे हम। मैं नहीं बना रही हूँ सेफ वो है मैं तो बस थोड़ा हेल्प कर रही हूँ खाली। क्या क्या करना है? सारी काट लूँगी, सारी काट लूँगी। पीस के डालोगे या छोटा छोटा काटो? छोटा छोटा काट दो, है सुंदर लगेगा। हाँ हाँ एकदम। ये देखो ये है गुंदली एकदम फ्रेश, प्याज पत्ती बोलते हैं इसको। ये बड़ा होके प्याज बन जाता है ना तो वे प्याज है ना। सारी चटनी बनानी है क्या? हाँ चटनी तो अच्छी लगती है, कभी भी खाओ ना। तो ठीक है मैं इनको धो के पहले डाल लेती हूँ, मतलब कट कर लेती हूँ इनको, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये अपने दाल धो के रेडी है एकदम। ये कुछ हरी मिर्चें इसके साथ पीसेंगे, इस वजह से ये इसके ऊपर डाला है। और ये मैं अभी धनिया की चटनी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने टमाटर हरी मिर्च और धनिया धो के एकदम अच्छे से काट लिया है। और ये धनिया एक अलग से काटे हैं जो बड़े में डालेंगे, और ये गुंदली इन सबको मैंने बारीक काट के अच्छे से रख लिया है। ये दोनों तो मैं बड़े मतलब बड़ा में मिक्स करेंगे और इसकी चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं चटनी बना लेती हूँ, फिर दाल और पीसेंगे। और ये दाल पिसा जा रहा है। मेरी धनिया की चटनी बन गई, मीठे बड़े के लिए आटा लग गया, मासी जी दाल पीस रही है। मेरे मासी सासू जी है प्लस काकी सासू जी है मम्मी की छोटी बहन। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ओहो ये तो इतनी बड़ी गाजर खा रहा है। नक्की क्या कर रहा है? अले क्या हुआ, मारा क्या नक्की को? कितने मारा नक्की? अले अले विशाल जी हाथ फंस गया इसका। मेरा काम तो मैंने कर दिया, बोल दो। बोल दे नारायण नारायण नील।
ओहो, बस बस ये मीठे बड़े निकल गए। वो देखो ये नमकीन ये का मसाला, वो डोगी का है। दिखने में कितना से मतलब टेस्टी लग रहा है। डाल दे। तो सबसे पहले प्रसाद लगाया जाएगा। चूल्हा नक्की पापा खाएंगा कि गरम है। ऐसे क्यों कर रहे हो? ये रारू को ठंडा होने दो, गरम है। और ये नमकीन बड़े की खुशबू। गरम गरम बड़ा और धनिया की चटनी। कौन तो गरम गरम बड़ा धनिया की चटनी। आ हा 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 मजा आ जाएगा आपको। खाओ भाई सारे गर्मा गर्म। किसी को खाना है तो आ जाओ जल्दी से। सही है, इनवाइटेड हो सब। हाँ। ये प्लेट रेडी, लो सब खा लो खाना। ये मैं नमकीन बड़ा टेस्ट करूँ, बहुत ही टेस्टी बना है। नमक वगैरह सब परफेक्ट है। यम्मी। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 और वो देखो ठंड में खेल रहे हैं दोनों बाहर। नील को देखना एक बार कितना खुश हो रहा है। मासी जिन पीता है। ला ला हाय करते। हाय। तो लो जी हो गया आज का बड़े का प्रोग्राम और सभी ने ठूस ठूस के बहुत सारे खाए हैं। बहुत ही टेस्टी बना था। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये थोड़ा सा आटा बचा था तो वैसे तो रात को आटा नहीं रखते, तो मैं छोटे छोटे डॉगी के बच्चे हैं उनके लिए वाला रोटी बना देती हूँ, उनको खिला देंगे ये रोटी। और हो गया अब सारा काम, बस अब देखो इसकी साफ सफाई करनी है और बर्तन धोने हैं। गीजर है, कोई बात दिक्कत नहीं है, वैसे गर्म पानी अवेलेबल है तो इतना मुश्किल नहीं लगता धोना। सो अभी मैं फटाफट धो लूँगी बर्तन, फिर हो जाएगा काम फिनिश। फाइनली मेरा सारा काम फिनिश हो गया, किचन का भी एकदम अच्छे से साफ सफाई करके ख़त्म करके आई हूँ जस्ट रूम में। अब 10 बज गए हैं, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है सच में। और तो आज का व्लॉग था मेरा जो सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल का, और स्पेशली बड़े बनाए थे आज
तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ऐसे ही वीडियो ऑलरेडी हो गया होगा बहुत टाइम, मतलब लॉन्ग हो गया होगा थोड़ा सा, सो ज़्यादा अब कुछ नहीं बोलूँगी। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं तो कोई ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं तो आज ए हाउस वाइफ, तो जो मैं घर में मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियोस देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आगे ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि।